कुछ कहा तेरे लिए जानम जान मेरी जाए से जुदा है तेरी अदाए। गाइज वेलकम टू अपने भाई का व्लॉग। आई होप कि आप समझते होंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइज 1996 के अंदर एक सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई थी सपूत। तो गाइज इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिले थे अक्षय कुमार सर, सुनील शेट्टी, सोनाली बेंद्रे, उसके अलावा करिश्मा कपूर मैम, कादर खान, जॉनी लीवर, काफ़ी एक्टर देखने को मिले थे। तो गाइज इस मूवी का एक सुपरहिट सॉन्ग था काजल काजल ये तेरी आंखों का ये काजल। तो गाइज आज के स्टूडियो में उस गाने की शूटिंग लोकेशन देखने वाले हैं। उसकी गाइज शूटिंग है जयपुर के कनक बाग में और सिटी प्लेस में हुई है, लेकिन आज जहाँ से मैं आपको सीन दिखाने वाला हूँ वो कनक बाग से। तो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस मिनट के लिए एक लाइक और चैनल पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज कनक बाग से वो गाने के सीन कुछ इस प्रकार से दिखाए जाते हैं। जो आप ये मंदिर देख रहे हो ना, बेसिकली नटवर जी का मंदिर है हमारे यहाँ पे और यहाँ पे एक राधा माधव जी का मंदिर और पीछे वो कनक बाग का भी नज़र है, वहाँ पे बाद में चलेंगे, पहले अपन यहाँ से सीन देखते हैं। तो गाइज एक सीन को यहाँ से दिखाया जाता है जहाँ पे ये जो मंदिर की सीढ़ियाँ दिख रही है ना, इन सीढ़ियों के ऊपर यहाँ पे सुनील शेट्टी सर खड़े रहते हैं और सोनाली बेंद्रे वो यहाँ पे आगे खड़ी रहती है और यहाँ पे उनका सॉन्ग चलता रहता है और यहाँ पे वो डांस करते रहते हैं सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे और उनकी स्टार कास्ट बैठे रहती है यहाँ सीढ़ियों पर, मंदिर की छतों पर, गुंबज पे चारों। और यहाँ पे हो गए जो टाइम पे मटके रखे हुए थे पिंक कलर के और यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर के, यहाँ पे पूरी सीढ़ियों के ऊपर मटके रखे हुए थे, यहाँ पे वो सोनाली बेंद्रे डांस करते हुए आती है। तो एक सीन को यहाँ से दिखाया जाए जिसमें परफेक्ट आप नजर मैच कर सकते हो। अब ये हो गया जो मैं मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर आ चुका हूँ, एक सीन को यहाँ से दिखाया जाता है जहाँ पे कैमरा एंगल और चेंज कर दिया जाता है। यहाँ से नीचे से वो बेसिकली सुनील शेट्टी सर और सोनाली बेंद्रे मैम आते रहते हैं और यहाँ पे उनकी स्टार कास्ट बैठी रहती है व्हाइट और यहाँ पे ब्लू ड्रेस के अंदर और मटके रखे रखते हैं साइडों में येलो और पिंक कलर के और पीछे और रेड कलर की महिलाएं दुपट्टा लेकर डांस करती रहती हैं। तो गाइज एक सीन को यहाँ से दिखाया जाता है जिसमें परफेक्ट आप नज़र मैच कर सकते हो, इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे मैम दोनों आते रहते हैं। और उसके बाद में गाइज एक सीन को फिर से यहाँ से दिखाया जाता है जिसमें जो आप ये देख रहे हो ना पूरा मंदिर का अपने को नज़ारा देखने में मिलता है। कुछ महिलाएं गुंबज के अंदर डांस करती रहती हैं और कुछ महिलाएं मंदिर की छत के ऊपर डांस करती रहती हैं और यहाँ पे सीढ़ियों पे उनकी पूरी स्टार कास्ट डांस करती रहती है और सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे दोनों यहाँ पर डांस करते रहते हैं। जिसमें गाइज एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो आप ये खजूर का पेड़ देख रहे हो ना, वो उस टाइम पे हो गए जो ये खजूर का पेड़ देख रहे हो ये काफ़ी छोटा था और अभी देखो कितना बड़ा हो चुका है, क्योंकि गाइज 1996 की बात है तो देख लो अभी लगभग 25 से 30 साल हो गए मूवी को, तो ये पेड़ काफ़ी बड़ा हो चुका है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है और बाकी मंदिर का नज़ारा आज भी वैसा का वैसा ही आप मैच कर सकते। और गाइज उसके बाद में एक सीन के अंदर यहाँ पे पूरी स्टार कास्ट की महिलाएँ होती हैं, वो मटके लेके धीरे धीरे यहाँ से निकल जाती हैं एक एक करके और यहाँ पे लास्ट के अंदर अपने एक सीन के अंदर यहाँ पे सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे दोनों यहाँ पे खड़े रहते हैं, वो यहाँ पे डांस करते रहते हैं और सारी महिलाएँ स्टार कास्ट निकल जाती है और कुछ महिलाएं वो मंदिर की छत के ऊपर बैठी रहती हैं। तो गाइज एक सीन को यहाँ से दिखाया जाता है तो आप मैच कर सकते हो। तो गाइज अभी चलते हैं कनक बाग के अंदर। वाह गाइज ये देखो कनक बाग का कितना मनमोहक, काफ़ी बड़ा गार्डन और गाइज पहाड़ों के बीच में स्थित होने पे ये जगह और ही मतलब चार चांद मतलब कति जहर लोकेशन है गाइज। और यहाँ पे 90s के दशक की काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग हो चुकी है, उन सभी के वीडियो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। एक बार चैनल पे विजिट करके आप सारे वीडियो देख सकते हो। वाह गाइज काफ़ी है और आज गाइज फाउंटेन भी चालू और मौसम भी देखो कितना अच्छा है। तो गाइज अभी यहाँ से सीन देखते हैं मूवी के किस प्रकार से दिखाए जाते हैं। तो गाइज इस साइड से सीन दिखाए जाते हैं बेसिकली, जब जहाँ से गए जब मैंने आपको नटवर जी के मंदिर से सीन दिखाया ना, यहाँ गार्डन के अंदर से भी वो मंदिर का नज़ारा देखने को मिलता है। एक सीन को यहाँ से दिखाया जाता है जो आप ये देख रहे हो ना बेसिकली गुंबज और ये यहाँ पे छत, यहाँ पे वो बेसिकली बहुत सारी महिलाएं और रेड कलर का दुपट्टा लिए हुए यहाँ पर डांस करती रहती है। तो जिसमें अपने को एक परफेक्ट यही अपने गुंबज देखने को मिलती है, छत के ऊपर महिलाएं डांस करती रहती है और यहाँ से अपने नटवर जी का मंदिर भी देखने को मिलता है। तो आप ये मैच कर सकते हो। और उसके बाद में एक सीन को यहाँ से दिखाया जाता है जो आप एक गार्डन देख रहे हो ना बेसिकली इसी गार्डन पे यहाँ पे सोनाली बेंद्रे मैम बैठी रहती है। तो यहाँ पे वो एक एक करके पहले तो रेड कलर के दुपट्टे, फिर ग्रीन, फिर व्हाइट करके यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आती है। तो गाइज परफेक्टली इसी गार्डन के अंदर यहाँ पे सोनाली बेंद्रे मैम बैठी रहती है और उनकी स्टार कास्ट यहीं पे गोल चक्कर घेरा बना के यहाँ पे डांस करते रहते हैं। और एक सीन के अंदर फिर यहाँ से दिखाया जाता है जो आप ये गार्डन देख रहे हो ना नटवर जी के मंदिर से दिखा रहा हूँ इसी आपको, वह यहाँ पे ना बहुत सारी महिलाएं पीछे रेड कलर के दुपट्टे, आगे आओ ग्रीन कलर के दुपट्टे और बीच में यहाँ पे सोनाली बेंद्रे और सुनील शेट्टी सर डांस करते रहते हैं। तो वो सीन बेसिकली यहीं से दिखाया जाता है कनक बाग से। और उसके बाद में गाइज एक सीन को ना यहाँ से दिखाया जाता है जो आप ये देख रहे हो ना बेसिकली यहाँ पे राधा माधव जी का मंदिर है, उसके पीछे की साइड में ये लिया हुआ है। काफ़ी गुप्त सीन है गाइज, बहुत मेहनत लगी इसे ढूंढने में। तो यहाँ पे ना गाइज देखो परफेक्ट वो महिलाएँ डांस करती रहती है रेड कलर के दुपट्टे लिए हुए। तो गाइज एक सीन को यहाँ से दिखाया जाता है। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो गाइज, आई होप कि जो आज का हमारा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल पहली
बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।